मरहूम इम्तियाज मोहम्मद गुफरान शेख की वालिदा, और वो भी कुछ बताना चाहती है जब उन्होंने अपना लगते जिगर 33 साल जिंदगी में खो दिए, तो वो भी कुछ बताना चाहते। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनवरी बेगम है। आपने जो ये रिटर्न कंप्लेंट तारदो पुलिस स्टेशन में डाली 5 जून 2023 जिसकी एक कॉपी है, तो आपने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस तारदो डिवीजन और सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस तारदो पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट जो डाली 5 जून 2023, तो पुलिस ने क्या करी, आपको बुलाई क्या करी, जरा व्यूअर्स को बताइए। यही बताए कि सब मेरे से पूछताछ किए, बस और कुछ नहीं किया। कोई FIR कुछ रजिस्टर्ड करे, कुछ किए उन्होंने? नहीं नहीं, खाली बस मेरा पूछताछ हुई, उसके बाद लेटर दिए, बोले जाओ घर पे। हाँ, ये दो लेटर आया है। हाँ। शरद धात्रक, हाँ। पुलिस सब इंस्पेक्टर अटैच टू तारदो पुलिस स्टेशन, उनका ये दो लेटर आया है। फर्स्ट लेटर है 9 जून 2023, नंबर है 4625, ये उसकी कॉपी है। और सेकंड लेटर आया था मोहतरमा को 15 जून 2023, लेकिन शरद धात्रक ने इसमें रेफरेंस नंबर लिखना भूल गए। इसमें कोई रेफरेंस नंबर है, पहले वाले लेटर में रेफरेंस नंबर था 4625 और यहाँ पे कोई रेफरेंस नंबर नहीं है। और शरद धात्रक जो PSI है तारदो पुलिस स्टेशन के, उन्होंने बुलाए मोहतरमा को, उनकी कंप्लेंट के अवर्स में रिटर्न स्टेटमेंट लिए। वो स्टेटमेंट की कॉपी आपको दिए जो आपने दिए मराठी में उनको? नहीं, कुछ कॉपी नहीं दिए। नहीं। और कुछ बोले कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, FIR लेंगे? नहीं, कुछ नहीं बोले। तो अरे बोले आप इसके ऊपर कुछ इंक्वायरी कर सकते हैं, आपके मन में ऐसे है तो जाके आप कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? कोई भी पुलिस स्टेशन में, तारदो पुलिस स्टेशन में ये मैंने की ना, तो बोला जो सेक्शन में उसका एक्सीडेंट हुआ ना, वहाँ भी जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, वहाँ ये लड़की के बारे में कुछ खिलाफ गैर खिलाफ बोल सकते हैं। तो सेक्शन वो लेमिंगडन रोड, तो मेरे ख्याल से नागपड़ा पुलिस स्टेशन में आता है, जिसकी वजह से। मगर ACP तो दोनों का एक ही है ना, तो नागपड़ा पुलिस स्टेशन का और तारदो पुलिस स्टेशन का, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस दोनों एक ही है। मुझे एक ही बार इस पे बुलाए थे, फिर दो बार दो लेटर दिए ना, तो एक ही बार मुझे बुलाए थे, बार बार नहीं बुलाए थे, एक ही बार बुलाए थे। ठीक है, तो मोहतरमा ने जो कम्प्लेंट दी 5 जून 2023 को, उसके अवज में शरद धात्रक ने बुलाया मोहतरमा को, स्टेटमेंट लिया, लेकिन कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या कोई अरेस्ट किसी की नहीं होगी। आपकी जो ये लिखित कंप्लेंट है 7 नवंबर ट्यूजडे 2023, जिसका पैरा नंबर 5 में, ये कॉपी है उसकी, पैरा नंबर 5 में आपने एक सोनू का नाम डाला जिसका मोबाइल नंबर है 7738819222। और दूसरा जो है धनराज जो तारदो में रहता है, जिसका मोबाइल नंबर है 8779519505। दूसरा नंबर है 8652196777। तो ये जो दोनों आप बता रहे हैं कि आपका मरहूम लड़का इम्तियाज मोहम्मद गुफरान शेख के करीबी दोस्त थे, ये हर चीज से वाकिफ थे इंदिरा के बारे में, इनके बारे में जरा बताएं कि आपको क्या जरूरत पड़ी दोनों का कंप्लेंट में नाम डालने की? सर, जरूरत पे नाम इसलिए पड़ा कि सारा जो है मामला जो भी है, ये सोनू को A to Z मालूम है, जब से उसका दोस्त बना है, वो अव्वल दोस्त है और अभी तक उनका दोस्ती में शामिल था और है अभी भी। और ये धनराज भी उनका दोस्त है और बहुत अच्छे दोस्त है, सभी लोग रात में एक साथ बैठते थे, उठते थे, और सारा मामला मेरे बच्चे का सब हाल उनको मालूम है। मैं आपको टोक के पूछना चाहता हूँ कि ये जो सोनू धनराज है, जो के पुराने दोस्त है इम्तियाज के, और आप भी इनको जानते हैं? जी सर। और ये लोग भी आपको जानते हैं? जी। तो कभी सोनू ने या धनराज ने आके आपको बताया नहीं कि इम्तियाज गलत पटरी पे जा रहा है? बियर बार की जो लड़की है विनीता, जिसका नया नाम इंजा है, जिसके साथ इम्तियाज ने शादी किया 19 सितंबर 2022, तो बताया नहीं कि इम्तियाज गलत राह जा रहा है, इम्तियाज को रोको टोको बचाओ? सर, उनका जितने भी दोस्त है, ये दोनों जो दोस्त है खास दोस्त है, लेकिन इन लोग आज तक हमारे पास किसी तरह का कोई हमारे को फोन करके नहीं इत्तला किया और न कभी हमें मैसेज दिया, और हमने इनसे जब मैयत हो गई उस वक्त भी इन लोग से पूछा गया और आज भी पूछ रहा हूँ, इन लोग को फोन कॉल भी कर रहा हूँ, लेकिन धनंजय बोल करके जो दोस्त है वो हम तक अभी तक नहीं है कॉन्टेक्ट कर पा रहा, न हमसे मिलने की कोशिश कर रहा। सोनू को मैंने जब भी उनको फोन किया आ रहा हूँ, लेकिन आता है और चले जाता है, डिटेल तक को बता के नहीं जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि 1 जून को आपके लड़के की, आपके लगते जिगर की, नूरे नजर की मौत हो गई रोड एक्सीडेंट में, जो कि हार्ट की वजह से है, तो ये इंजा उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी?
जी, अब इंतकाल हो गए तो 5 महीना हो चुका है, तो डिलीवरी भी हो गई। तो ये सोनू ने उसके दो धनराज ने कुछ बताया नहीं कि इंदिरा को लड़का हुआ कि लड़की हुआ, या उसने कोई फोटो भेजी बच्चे की? धनंजय से तो नहीं कॉन्टेक्ट हो पा रहा है, ना धनंजय से हमें कोई मालूम हुई है। जो भी मालूम हुआ सब सोनू से, क्योंकि सोनू शुरू से और अब तक का ही उसका दोस्त बना रहा और हमेशा हर बात को उसको मालूम है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, सब उनको ए टू जेड सोनू के सिवा किसी को मालूम नहीं है। सोनू को विनीता के बारे में, जो कुंवारी थी, शादी के पहले का नाम था, मेडन नेम था, शादी के बाद जिसका नाम इंजा हुआ, इम्तियाज शेख, वाइफ ऑफ इम्तियाज शेख, तो कभी इसने बताया नहीं कि इम्तियाज के इंतकाल के 3 दिन के अंदर जो ये इंजा भाग गए आगरा, अब किधर है, कौन सा एड्रेस है, क्या है, ये सोनू ने बताया नहीं? नहीं, कोई भी नहीं बता रहा, किसी से मैं मालूमात भी कर रहा हूँ, सबको फोन कर रहा हूँ, हमें कोई इतला नहीं दे रहे और न कोई हमें मालूमात दे रहे कि ये यहाँ से भाग गया है, कहाँ गया। मैं अभी भी पूछ रहा हूँ और रोज उनको फोन करता हूँ, कभी ना कभी उसको मैं बुलाते रहता हूँ घर पे सोनू को कि बेटा तुम उसके बारे अगर कुछ जानते हो तो हमें बता दो, ताकि मैं उनके घर पे जाकर अपने बच्चे का चेहरा देख लूं और फिर मुझे कोई कार्रवाई करना है या नहीं करना वो आगे पीछे हम सोच करके आपसे बोलूंगा। इनडायरेक्टली सोनू को सारी हकीकत इस इंजा के बारे में मालूम है, लेकिन क्या वजह है, किस वजह से वो इंजा का एड्रेस वगैरह नहीं दे रहा है आपको, तो ये अब मुंबई पुलिस को, स्पेशली टाडो पुलिस स्टेशन को प्रॉपरली एक्शन लेना चाहिए। ये जो इम्तियाज के दोनों दोस्त थे, जैसा कि अब आपके बच्चे का तो इंतकाल हो चुका है 1 जून 2023 और आपको पूरा भरोसा है कि उसकी मौत, उसकी जो सेकंड वाइफ है जो पेशे से बार गर्ल भी है इंजा, तो अब आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार से, होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस देवेंद्र भारती से, और साथ ही साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई विवेक फांसलकर से आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे, इंक्लूडिंग योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश और कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर आगरा सिटी, आपके बच्चे की बेमौत के बारे में, जबकि वो जवानी में महज 33 साल की उम्र में इस दुनिया फानी से हमेशा के लिए चला। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चे के साथ इंसाफ हो, जो भी मेरे साथ बच्चे के हुआ है उस पर हमको, आप लोग सभी महाराष्ट्र पुलिस वाले से लेकर के तमाम जितने भी हमारे कार्यकर्ता देशवासी लोग में से जो MLA है, MP है, जो भी है सर, उनसे हमें गुजारिश है कि हमारे बच्चे के हक में फैसला दे और फैसला कराए, और यही आप लोग से गुजारिश है कि मुझे अपने हक पे रहने के लिए हमेशा आप लोग का साथ चाहिए, और महाराष्ट्र पुलिस से भी गुजारिश है कि मेरे बच्चों के लिए कुछ ऐसा काम कर जाए तो ताकि आने वाले बच्चों के लिए, उनके लिए कुछ न कुछ उनको राहत मिल जाए, उनकी मुश्किलें रुक जाए, और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सजा मिले ताकि गुमराह होने से बचे और हमें भी बचाए मेरे। हम उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद गुफरान जुबैर शेख की दरख्वास्त इत्तेजा पे एक्शन होगा, और उनकी जो इतनी लंबी चौड़ी कंप्लेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन गई है, ऑफलाइन 18 डिपार्टमेंट में गई है, ऑनलाइन 50 से 100 डिपार्टमेंट में गई, तो हम उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद गुफरान जुबैर शेख को इंसाफ मिलेगा, और इनके बच्चे की जवानी में जो मौत हुई है, जिसके जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो इंजा रहे, चाहे उसकी बड़ी बहन चांदनी रहे, चाहे सोनू रहे, चाहे उसका दोस्त, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, इन पे इमीडिएट इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए, इन पे FIR होना चाहिए, ये अरेस्ट होना चाहिए, इनको इनके गुनाह का पनिशमेंट मिलना चाहिए, जरूर जरूर जरूर। खुदा हाफिज़।